दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बॉलीवुड की एक बहुत ही बेहतरीन गीत लेकर आया हूं, जिस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त जी ने अपनी आवाज़ दी। और यह गीत जो है वो 50 और 60 के दशक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आज भी हर किसी के जुबा पर है। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त जी की इस बहुत ही खूबसूरत गीत को अनवर हुसैन साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी ने भी अपनी आवाज़ दी है। और दोस्तों अनवर हुसैन साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में वो गीत सुनेंगे तो आप बस सुनते ही रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आँखों में इशारा हो गया। दोस्तों सन 1956 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम है CID। और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। और इस बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त जी ने अपनी आवाज़ दी। और यह गीत जो वो पिक्चराइज हुआ देवानंद साहब और शकीला पर। वस्तुतः इस फिल्म का संगीत ओपी नैयर साहब ने दिया और लिरिक्स जानिसार अख्तर साहब ने दिया। और यह गीत बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये गीत जो है वो सुने ही होंगे। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त जी की इस बहुत ही खूबसूरत गीत को अनवर हुसैन साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी ने भी अपनी आवाज़ दी है, जो कि एक बहुत ही रेयर है। और एक लाइव प्रोग्राम में अनवर हुसैन साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग ये गीत जो है वो मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं। दोस्तों अब यही गीत हम लोग अनवर हुसैन साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में सुनते हैं। तो दोस्तों यही गायकी भगवान कहे जाने वाले बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत ही बेहतरीन गीत है। और इस बहुत ही बेहतरीन गीत को अनवर हुसैन साहब ने भी अपनी आवाज़ दी है। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों ही वर्जन जो है वो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूँ तो और मोहम्मद रफ़ी साहब के ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन गीतों को अनवर हुसैन साहब ने भी अपनी आवाज़ दी है। फिलहाल आप लोगों को ये जानकारी जो है वो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।